नोएडा का ये गोयल परिवार है सोहनलाल गोयल जी का, जिनके जीवन संघर्ष कदम ताल करते हुए रायसिंह नगर राजस्थान से नोएडा तक आ पहुंचे और फिर लिखी गई एक नई कहानी, संघर्ष से सफलता तक की एक अनोखी दास्तान जिसमें पूरे परिवार की भी अहम भागीदारी है। कुल वृक्ष प्रस्तुत करता है सोहनलाल जी के परिवार का इतिहास, सिर्फ कुल वृक्ष पर। मेरा नाम सोहनलाल गोयल है। मेरा जन्म जो है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर के छोटे से कस्बे रायसिंह नगर में हुआ है। मेरा जन्म 1968 में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम श्री मदनलाल गोयल है और मेरी माता का नाम श्री कृष्णा देवी है। हमारा गोयल गोत्र है। हम मनसा देवी है जो है, मनसा देवी चंडीगढ़ में है, उनकी हम बहुत पूजा करते हैं। हमारी कुल देवी वही है मनसा देवी। हमारे जितने भी पारिवारिक में कोई भी काम होता है, शुभ कार्य होता है, शादी है, ब्याह है, अगर कोई बच्चा होता है, तो उसकी जो सुख जो है हम मनसा देवी जाके उतारते हैं। मैंने एक अपने दादाजी को देखा हुआ है और दादा दादी दोनों को देखा हुआ है और मैंने अपने परनाना को भी देखा हुआ, यानी कि मेरे नाना जी के फादर। उस टाइम मैं बहुत छोटा सा था, 4-5 साल की, 4-1 साल का होगा, तब मैंने उनको अपने नाना के फादर को देखा हुआ। मेरे जो दादाजी थे वैसे तो पंजाब में पहले रहते थे ये लोग, जितना मेरे को ध्यान है, वहाँ से ये बीकानेर चले गए थे। बीकानेर इनका वो ये अपने जैसे जमींदार बोलते हैं, जितने भी राजा लोग थे, राजा महाराजा लोग, उनके यहाँ जो वो होते हैं उनके दास वगैरह गोले, तो वो उनके पास जो है अपना सोना चांदी गिरवी रख देते थे। उनसे वो उसके गिरवी रखे उसके बदले में उनसे राशन या पैसा लेते थे। जब वो फिर बाद में वो छुड़ा लेते थे अपना पैसा वैसा देकर, तो इस टाइप का काम करते थे हमारे दादाजी। फिर उसके बाद बीकानेर से मेरे दादाजी यहाँ रायसिंह नगर आ गए। कुछ वहाँ उनको नुकसान वगैरह लग गया था, बीकानेर में नुकसान लग गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया था उनके पास, जितना भी पैसा सोना चांदी था सब ख़त्म हो गया था। और वो सब छोड़ छाड़ गए और रायसिंह नगर आ गए। वहाँ एक रायसिंह नगर के पास एक गांव है नोपीएस, छोटा सा गांव है, वहाँ पे कम से कम उस टाइम मेरे हिसाब से 50 घर होंगे बड़ी मुश्किल से उस गाँव में। हम सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, एक ही मंडी में रहते थे। मेरा पूरा जो मेरे फादर का दादा का पूरा परिवार और मेरे पूरे नाना का परिवार, वो टोटल हम एक छोटी सी मंडी रायसिंह नगर थी, वहीं रहते थे हम सब लोग। मेरे पिताजी और 6 भाई थे और उनमें से अभी मेरे दोनों चाचाओं की डेथ हो चुकी है और मेरे 2 ताऊजी की डेथ हो चुकी है। अभी मेरे 1 ताऊजी और 1 बुआ और मेरे फादर जो हैं अभी इस टाइम है। 87 में मेरी बिटिया हुई वहीं रायसिंह नगर में, तो मेरे को बड़ा खुशी मिली कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, तो खूब अच्छा लगा हमें, बहुत मन खुश हुआ। फिर उसके बाद मेरी दूसरी बिटिया 89 में हुई, फिर हमारे घर वाले पीछे पड़ गए कि एक लड़का तो होना चाहिए, एक चांस और लेते हैं। फिर 93 में फिर मेरे बेटा पैदा हुआ। इज़ लाइक ड्रीम फादर एंड उनसे हमें जो मैसेज सीखने को यही मिलते हैं, अपनी पूरी मेहनत करो लाइफ में, अप्स भी आएंगे डाउन्स भी आएंगे, लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव इन इट, सब चीज़ पॉजिटिवली लो तो सब कुछ ठीक होगा। 2006 में बिटिया की शादी कर दी थी, बड़ी बेटी की शादी। फिर दूसरी बिटिया की शादी हमने फिर 2009 में कर दी थी, तो उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, दोनों के पास दोनों 2-2 लड़के हैं, अपने परिवार में वेल सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा ने खूब स्ट्रगल किया है, लेकिन एक टाइम जब मेरे पापा ने जो चाहा था वो अचीव किया। पापा आप मेरी दुनिया हो और मम्मी उस दुनिया की खूबसूरती है। मैं अपने पेरेंट्स की सेकेंड चाइल्ड हूँ एंड सबसे नॉटीएस्ट चाइल्ड हूँ, एंड सिंस चाइल्डहुड उन्होंने मेरी सारी विशेस को फुलफिल किया।
मुझे नहीं पता कि मैं उनका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी, बट दे आर द बेस्ट पेरेंट्स एवर. आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव सच अ केयरिंग पेरेंट्स. हमारे चारों जो बच्चे हैं, बेटियों के बेटे हैं, चारों के चारों बहुत बदमाश हैं, बहुत शरारती हैं, ठीक है. बाकी यही है कि वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, बहुत कामयाबियाँ हासिल हो, आसमान की बुलंदियों को छुए. मेरी तो यही तमन्ना है. फिर जो हमारा बेटा था, उसकी थी अटैचमेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो कहता मैं तो उसी के साथ शादी कराऊंगा. चलो मैं कहा हमें कोई इतराज नहीं है, अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर 2016 में इनकी भी शादी कर दी. पापा ने कभी कोई हमें कमी नहीं छोड़ी, ना पीयूष को ना मुझे. पापा हमारी शक्ल देख के बता देते कि इनको कोई प्रॉब्लम है या इनको कोई तकलीफ है, इनको कुछ चाहिए. सबसे खुशी का पल जिस दिन मेरे यहाँ पोती हुई थी. आज भी मेरे पास उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है. तो मेरा सबसे बड़ा खुशी का पल वो था. उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ. शनाया केम इन टू आवर लाइव्स इन 2019 9th ऑफ सेप्टेम्बर एंड दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड वी ऑलवेज सो मच ब्लेस्ड टू हैव हर एंड सो वी हैव शनाया विद अस नाउ. ड्रीम किड. शी विल बी 2 इयर्स इन नेक्स्ट मंथ. मैंने 72 में पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक BSF स्कूल था, उसमें पढ़ा हूँ मैं. और उसके बाद वहाँ पे छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक DAV हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें मैंने शिक्षा ग्रहण करी. और 10वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी. छठी क्लास में तो हमें ABCD सिखाते थे. तो फिर मेरे पापा ने क्या करा कि 7वीं क्लास से हमारे वहाँ मुनीमी सिखाते थे, बही खाता जो करते हैं उसमें, उसको बोलते हैं लंडे भाषा. लंडे भाषा में सिखाते थे हमारे एक श्रीपति जी थे. तो मेरे पापा ने मेरे को उनके पास लगा दिया. तो मैं उनके पास 3 दिन गया. मेरे को समझ में नहीं आया उसका, क्योंकि उसका सिखाने का प्रोसेस था वो बहुत स्लो था. उसका 6 महीने का प्रोसेस था सिखाने का. फिर हमारे वहाँ एक राम कुमार हुआ करता था, वो भी मुनीमी सिखाता था. उससे मैंने शिक्षा ग्रहण करी मुनीमी की. उस बंदे से मैं 15 दिन के अंदर पूरा कोर्स सीख गया था. पढ़ाई छोड़ते ही मेरे को पापा ने अपने साथ दुकान पर बिठा लिया. मेरे पापा की एक ही सोच थी कि बेटा जब तक तुम पढ़ना पढ़ो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, जितना पढ़ना चाहो. जिस दिन फेल हो गए उस दिन आप दुकान पर बैठ जाओ. तो क्या हुआ, जब मैं 10वीं क्लास में था तब मेरे भतीजे का जन्म हुआ. भतीजे का जब जन्म हुआ तो मेरा पढ़ाई पर ध्यान कम हो गया, तो सारा दिन मैं उसी में लगा रहता था. तो मेरे को बच्चों से बहुत प्यार होता था. मेरे को डेली के 50 पैसे मिलते थे. 3 दिन में 1.5 रुपये इकट्ठा होता था, 10 पैसे और मिला के 1.60 रुपये में मूवी देख कर आता था. मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले मूवी देखी थी लैला मजनू. हालांकि और भी देखी होगी जो मेरी याददाश्त में है. याद है मेरे को लैला मजनू फिल्म देखी थी. और उसमें मेरे मम्मी पापा हमको लेकर नहीं गए, वो मूवी देखने अकेले चले गए. और मैं और मेरा बड़ा भाई उनके जाने के बाद जैसे वो निकले उनके 5 मिनट बाद हम निकल गए. तो जैसे उन्होंने बालकोनी होती है, बालकोनी में बैठे तो उसकी टिकट 2.5 रुपये हुआ करती थी. तो हम उससे नीचे जो होती है वो 1.60 रुपये की टिकट मिलती थी. हम उसमें पीछे दीवार की तरफ सट के बैठ गए. हमने वो पूरी मूवी देखी और मूवी ख़त्म होने से 5 मिनट पहले हम थिएटर से निकल के फटाफट घर आके सो गए कि पापा को पता ना चले, नहीं तो पिटाई होगी. तो हम शरारती बहुत थे. मैंने अपने फादर से बहुत मार खाई है, क्योंकि मैं शरारती इतनी करता था कि जो बर्दाश्त से बाहर होते थे. 68 में मेरा जन्म हुआ, तब मेरे पापा ने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था. एक किराने की दुकान गांव में कर ली. फिर धीरे धीरे उन्होंने राइस इनर मंडी में एक दुकान ली किराए पे, वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करा. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे पापा ने, मेरे चाचा ताऊ सब हम लोग, उनका सबका बिजनेस इकट्ठा ही था. इन्होंने फिर अपना काम और बढ़ा लिया, आड़त का काम कर लिया. 78 की शायद बात है, 78 या 80 की बात है. उस टाइम हमें 15-20 लाख रुपए का लॉस लगा.
तो जितने भी मेरे चाचा ताऊ जो पार्टनर थे वो सब बिखर गए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पैसा जो है मेरे पापा का लगा हुआ, सबका बिजनेस अलग अलग हो गया, सबके काम बंद हो गए। बट जो काम मेरे पापा करते थे किराने का, मेरे पापा ने वो किराने का काम नहीं छोड़ा। अपनी रेपुटेशन मेरे पापा ने दोबारा बनाई, दोबारा सारा काम स्टैंड हुए। तो मेरे पापा ने क्या करा, सारी जिम्मेवारी दुकान की मेरे ऊपर डाल के 20 दिन के लिए वो चले गए मेरे भतीजे को लेकर उसके इलाज के लिए। वो 20 दिन ने मेरे को पारस बना दिया। वो 20 दिन में मैं ऐसा बिजनेस सीख गया कि जो कस्टमर, वो जब 20-25 दिन बाद जब मेरे पापा वापस आए तो जो हमारे कस्टमर थे वो आके मेरे पापा को बताते हैं, कहता है ए वही मुंडा गया जड़ा गाला कटदा होता सीगा, भी इतना इसने कस्टमर को अटेंड करना। और मेरा भी रिकॉर्ड है, मेरे पापा खुद कहते हैं कि अगर मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आ गया तो बिना सामान लिए वापस नहीं जा सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं और जो भी काम करें उस काम में वन टाइम एक बार तो मैं टॉप लेवल पे पहुंचा। उसके बाद जैसे मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट करा गुड़ चीनी का होलसेल का, बट करा मैंने 6 महीने, तो 6 महीने में मैंने उस काम को बड़ी बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर मैंने आड़त का काम स्टार्ट कर दिया था, जो काम सन 75 में मेरे चाचा और ये मेरे पापा मिलके करते थे जिसमें उनको नुकसान लगा था, वो काम मैंने वहाँ स्टार्ट कर दिया था। तो वो काम मैंने 87 या 88 में करा था और मैंने 93 तक वो काम करा। उस काम में मैंने बहुत नाम कमाया, पैसा भी कमाया। तो उस टाइम मेरे पास बहुत अनाज स्टॉक में पड़ा हुआ था। तो 93 में जब मेरे चाचा की डेथ हुई, वो माल मैं सेल करने के लिए गया हुआ था मार्केट में, तो उस टाइम मेरे को उसमें 14 लाख रुपये प्रॉफिट आ रहा था। और जब मैं सेल करने अभी मार्केट गए, रास्ते में था, तो चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उधर हॉस्पिटल चला गया, फिर उनकी डेथ हो गई। 10-12 दिन वो हमारे होता है, जब तक 12 नहीं होता शोक होता है, तो 12 दिन मैं मार्केट में नहीं गया और मार्केट बिल्कुल डंप हो गई। जो मेरा 12 लाख का प्रॉफिट था वो 0 हो गया। तो उसके बाद मेरे पापा ने मेरा काम वो बंद करवा दिया, कहते अब तेरे को ये काम नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने किराना होलसेल का काम स्टार्ट कर दिया। 3 साल मैंने वो काम करा और वो भी दबा के करा। '84 में मैंने किराने की दुकान करी, 85 में मेरी शादी हो गई थी। 17 साल का था जब मेरी शादी कर दी, हमारे एक रिश्ते कराता था, एक नाम था उसका पूरन चंद था बिचोलिया, वो रिश्ते ही कराता था जितने भी, यानी कि वहाँ पे मंडी में ना ज़्यादातर सबके रिश्ते उसी ने कराए हैं। तो वो किसी लेकर आया था, हमारे सामने एक दुकान थी, वो भी उनका नाम भी सोनलाल मोहनलाल था। तो उनके यहाँ लड़का देखने आए थे, तो जब उनके देख के आ रहे थे तो उनके सामने हमारी दुकान थी, तो उसने पूर्णचंद ने कहा भी एक लड़का इनका भी है, अगर आपको देखना हो तो। वो कहते दिखा दो। तो उन्होंने मेरे पापा के पास गए तो वो कहते लड़का तो अभी है नहीं, लड़का तो शाम को 8 बजे आएगा। तो वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम 8 बजे आ जाएंगे। तो 8 बजे मैं आ गया, 7:30-8 बजे तक शाम को आ गया। मैं कहीं गया हुआ था गांव में, वहाँ से आया तो वो आ गए, तो उन्होंने सब देखा दुखा, कहते जी ठीक है जी हमें लड़का पसंद है, आप बताओ लड़की देखने कब आओगे। तो अगले दिन हम लोग लड़की देखने चले गए जी, 8-10 जने गए और देखा दुखी करी और अभी पसंद आ गया। तो वो कहते जी अभी क्या प्रोग्राम है, तो मेरे ताऊ जी कहते अभी ले चलते हैं। बड़े हैरान, वो लड़की वाले तो बहुत हैरान हो गए कि अभी ले चलते हैं मतलब, वो कहते जी अभी शादी कर दो बस अभी फेरे कराओ। शाम को ये लोग मुझे देखने के लिए आए, इनकी फैमिली वाले, और मेरे को लेकिन बहुत 1 घंटा पहले ही पता लगा कि मुझे कोई देखने के लिए आने वाला है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि पार्लर पे जाना है, ये सब वो कुछ नहीं था, सीधा मेरे को इनके सामने पेश कर दिया गया। 10 मिनट ये बैठे घर में आके, मैं आ गई, उन्होंने मेरे को देखा, मेरे से कुछ सवाल किए, नाम क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये वो सब ऐसे करके 2-4 बातें मेरे को पूछी। तो ठीक है, मैंने इनको सवाल जवाब दे दिए, जो जो मेरे को जैसा समझ आया। फिर उसके बाद
इन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है। तो इनके मेरे इन लोग जो हैं वो बोले कि आज ही इसकी शादी कर, इनकी शादी कर देते हैं। तो मेरे को पूछा गया, तो मैं फिर क्या बोलती, उस टाइम ज़्यादा बोलने का तो होता नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर बस हमारी रात को ही सारा डिसाइड हो गया। थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग दोनों फैमिलियों ने करी आपस में, और उसके बाद फिर खाना खाने बाहर चले गए। और इतने में सारे घर में फेरे वेरे की सब तैयारी हो गई है, पंडित वंडित आ गए हैं सब, और फिर सारा फेरे वेरे की तैयारी होगी, उसके बाद हमारी शादी हो गई। 3-4 महीने बाद शादी के हनीमून बनाने का हमारा प्रोग्राम बना। फिर हमारे एक दोस्त थे, बैंक में लगे हुए थे, मिस्टर मेघराज, वो PNB बैंक में कैशियर थे। उनके साथ मेरी यारी दोस्ती थी, साडू की लड़की थी सीमा, उसकी शादी मेरी शादी से 2 दिन पहले हुई थी। तो जो मेरे ससुराल वाले थे वो शादी अटेंड करने के लिए आए थे, तभी उन्होंने मेरे को देख के पसंद करके गए थे। तो 2 दिन पहले उसकी शादी थी, 2 दिन बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो वो एक फैमिली वो हो गई, एक मेरा दोस्त हो गया PNB का, और एक उनका आगे दोस्त था जयपुर से। हम 4 कपल जो है हनीमून के लिए गए, और हमने खूब इंजॉय करा हनीमून में। 15 दिन का हमारा टूर था, और हम यहाँ से जैसे पहले जयपुर गए, जयपुर से फिर हम नैनीताल गए। नैनीताल में हमारे साथ एक घटना हो गई। नैनीताल में क्या घटना हुई, एक बस में हम सब लोग जा रहे थे, उसमें कुछ लड़के थे बहुत शरारती, तो वो गलत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि हमारी सबकी नई नई शादी हुई थी, सबकी चारों की, चारों हम नए नए कपल थे। तो वो लेडीज़ को देख के एक दूसरे को ना, तो वो गलत गंदे गंदे कमेंट करते थे, और मेरे में बहुत गुस्सा था। और एक मेरा दोस्त जयपुर से था, उसका नाम दिनेश था, उसमें भी बहुत गुस्सा था। बाकी जो 2 कपल और थे वो दोनों ठंडे थे, उनमें गुस्सा नहीं था। तो हमने वो तो उनका गला पकड़ लिया, और खूब हमारी मारधाड़ हुई, और इतनी मारधाड़ हुई कि खाई में गिरते गिरते बच गए। और 2 कपल जो ढीले वाले थे, हमने उनको कमरे में बंद कर दिया, तो तुम कमरे से बाहर मत निकलो, हम दोनों ही सलटेंगे। तो फिर पहले मेरा भाई आ गया 96 में, यहाँ पे अगस्त में मेरा भाई आ गया, छोटा भाई विशाल। तो यहाँ पे हमारे दूर की रिश्तेदारी में मामा लगता है, तो छोटे भाई ने उसके साथ पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करा। तो जब 2-3 महीने उनके काम को हुए, तो वो हमेशा मेरे मामा को बोलता रहता था कि सोनलाल को भी यहाँ बुला लो कोई काम के लिए, सोनलाल का दिमाग बहुत तेज है, वो बिजनेस में बहुत तेज है, उसको भी यहाँ बुला लेते हैं। तो वो जो हमारा पार्टनर था, जो रिश्तेदारी में हमारा मामा लगता था, तो उसने बोला मेरे छोटे भाई विशाल को, चलो बुला लो आप उसको, कोई ना कोई काम देख लेंगे। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने 15 दिन में सारा कुछ समेटा, सब कुछ जो भी लेना देना, बेचना बेचना सब बेच बूझ के सब मैं यहाँ पे आ गया। 96 में आके मैंने उसके साथ एक काम कारोबार स्टार्ट करा, शीट्स का, जो MS शीट वगैरह होती है उसका कारोबार स्टार्ट करा। 6 महीने तक मैंने उसके साथ पार्टनरशिप में काम करा। उसने अपने साले के साथ मेरे को काम करवा दिया हार्डवेयर का। तो हमने उसके साथ 2 साल काम करा, और 2 साल में खूब पैसा कमाया। तो किसी बात को लेकर उससे मेरे पार्टनर से अनबन हो गई, अनबन हो गई, तो हमारी पार्टनरशिप अलग हो गई। पार्टनरशिप अलग हो गई तो फिर मैं 2 साल बिल्कुल खाली रहा, जो कमाया था वो भी खा गया, जो लेकर आया था वो भी खा गया। और बस हमने एक अच्छा काम करा था कि मेरे पापा ने हमें वहाँ से 20 लाख रुपए दिया था, हमें यहाँ जब हम आए थे, तो उसमें आते ही हमने यहाँ पे एक 22 लाख रुपए की एक कोठी खरीद ली थी। बस गलती वहाँ कर दी हमने, कोठी लेने की बजाय हमें एक शॉप लेनी चाहिए थी। 2 साल तक मेरे को घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया, मेरा भाई सेटल था, काम हम दोनों अलग अलग कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों भाइयों को इकट्ठा होने का कभी मौका ही नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। तो फिर 2000 में एक मेरा दोस्त था, उसने एक शॉप ली, उसने कहा कि मेरा भाई खाली घूम रहा है, तू भी खाली घूम रहा है, तुम मिल के काम स्टार्ट कर लो। तो जब हम ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे बैठे, हम 4-5 यार दोस्त थे, तो
उसका जो मेरा दोस्त था उसका एक बड़ा भाई था, तो उसने मेरे को कहा कि सोनलाल जी क्या बात हो गई, आप वापस क्यों जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब काम नहीं चल रहा, काम नहीं है तो खर्चा तो चाहिए। तो कहता क्यों टेंशन लेते हो, ये तो दिल्ली है, एक बार बैक मारती मारती है। तो कहता आप घबराओ मत, इसने अभी दुकान ली है, तुम दोनों मिलके काम स्टार्ट कर लो, ये भी खाली है तुम भी खाली हो, तुम दोनों मिलके स्टार्ट कर लो काम, और जहाँ तुमने अभी जाना एक साल बाद चल जाना, नहीं चला काम चल गया तो ठीक, नहीं चला तो साल बाद चले जाना वापसी। फिर मैंने किसी आदमी से 2% पे 2 लाख रुपया उठाया, और 2 लाख रुपये उसने मेरे दोस्त ने अपने भाई को दिए काम करने के लिए। तो मेरे दोस्त का भाई और मैं दोनों ने हमने सन 2000 में काम स्टार्ट कर दिया। बट वो ये ना, वो देने वाला भगवान है, तो उसने जैसी हमारी बाजू पकड़ी तो भाई साहब 2002 तक हमने अच्छा काम करा, अच्छा नाम कमाया, काम भी बहुत अच्छा करा। बट 2002 में एक पार्टी की तरफ मेरी बहुत मोटी रकम डूब गई, मार्केट में हवा फैल गई कि ये तो पार्टी फेल हो गई, सोनलाल तो फेल हो गया। तो जिन लोगों से मैं माल लेता था, उनमें से एक जने ने मेरी हवा ख़राब कर दी मार्केट में। जब मेरे फादर के साथ 1975 में जो सीन हुआ था, वो सीन मेरे साथ 2002 में हो गया। तब मेरे को उनकी एक बात याद आई, वो कहते थे कि एक बनिया था, उसका एक इकलौता लड़का था। जब उसका बाप मरने लगा तो अपने बेटे को कहता है कि बेटा छियाँ छियाँ जाना ते छियाँ छियाँ आना, कह के उसका बाप मर गया। अब बेटा कहता है यार बाप ने मेरे को कहा था छियाँ छियाँ जाना और छियाँ छियाँ आना, तो उसने क्या करा, घर से लेके दुकान तक कनात लगा दी, टेंट लगवा दिया कि छाएँ छाएँ जाऊँगा छाएँ छाएँ आऊँगा। तो भाई साहब वो तो साल भर में लड़का हो गया बर्बाद, ख़त्म हो गया सब कुछ। फिर उसने किसी से पूछा कि भाई मेरे बाप मेरे को मरते हुए ये शिक्षा दे के गया था कि छियाँ छियाँ जाना छियाँ छियाँ आना, मैंने वैसे ही करा और उसके बाद मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करा तूने? कहता मैंने घर से लेकर दुकान तक कनात लगवा दी थी, छाया में जाता था छाया में आ जाता था, धूप नहीं लगती थी मेरे को। वो कहता बेटा उसका कहने का मतलब था सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाना और सूरज छिपने के बाद घर आना, छियाँ छियाँ का मतलब ये था। कहता अब तो मैंने गलती कर दी, अब क्या करूँ? कहता तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? कहता मेरे पास 400-500 रुपये होंगे। कहता इसके चिल्लर लिया, 54-58 रुपये के, उस टाइम तो रुपये के नोट चलते होते थे 1 रुपया, तो उस टाइप के। कहता ला के अपनी अलमारी में रख दिए जी, और सुबह 5 बजे अपनी दुकान पर जाना और शाम को आना। अब जिस लोगों, उसके सिर पर कर्जा भी था, जिन लोगों ने उससे कर्जा लेना था वो आए, जैसे आप ही आए भाई साहब, हाँ भाई साहब आपसे 10 रुपये लेने हैं, ठीक है जी ये लो 10 रुपये। दूसरा आया, भाई साहब आपसे 20 लेने हैं, ये लो 20 रुपये। 2-3 जने आए, पैसे लेके चले गए। तो उन 2-3 जनों ने क्या कहा, मार्केट में हवा बना दी उसकी, कहता तुम तो कह रहे थे वो तो फेल हो गया, वो तो सभी के पैसे दे रहा। तो उसके बाद उससे कोई पैसे मांगने नहीं आया। तो ऐसे ही इंस्टेंट मेरे साथ हुआ, संडे को मेरी हवा फैली कि उस पार्टी की तरफ इनके सोनलाल के 18 लाख रुपए मर गए। तो अगले दिन सुबह एक पार्टी का मेरे पास फोन आया 8:30 बजे, और मैं उस दिन माइंड मेकअप था, मैं 2-3 लाख रुपए ला के मैंने अपने गले में रख दिए थे। मेरे माइंड में वो मेरे बाप ने जो मेरे को बचपन में 10-12 साल की 13 साल की एज में था, मेरे पिताजी ने मेरे को चीज़ ये बताई थी, तो वो मेरे माइंड में एकदम क्लिक कर गई। एक बंदे का फ़ोन आया सुबह 8:30 बजे, कहता सोनलाल जी वो मेरे को पेमेंट की ज़रूरत थी। मैंने उसको बोला मैं भैया टाइम कितना हुआ? कहता जी 8:30 हुआ। मैं कहा ये कोई फ़ोन करने का टाइम है? दुकान कितने बजे खुलती है? कहता जी 10 बजे खोलते हैं आप। मैं कहा 10:15 बजे आना, और उससे पहले तुमने फ़ोन क्यों करा मेरे को? वो 10:15 बजे मेरी दुकान पर आया। उस बंदे को मैं हर हफ्ते 5,000 रुपये दिया करता था, माल रेगुलर आता था, 5,000 रुपये वीकली उसको देता था। उस दिन वो आया, मैं कहा हाँ भाई कितने पैसे हैं? उसने वो पर्ची दी तो 37,000 रुपये टोटल उसका देना था। मैंने उसको 37,000 रुपये दिया। मैं कहा ये पकड़ 37,000, चला जा। वो 37,000 रुपये लिए और चला गया। जिन लोगों ने मेरी हवा ख़राब करी थी,
वो उनको कहता है, कहता तुम तो कह रहे थे सोहनलाल फेल हो गया, वो तो पहले तो 5,000 रुपये हफ्ता देता था, आज मैंने उसको सुबह 8:30 बजे फ़ोन करा तो उसने तो मेरा हिसाब ही क्लियर कर दिया, उसने तो मेरे को 37,000 रुपये दे दिया। उस दिन मेरे से और कोई आदमी पैसा लेने के लिए नहीं आया। मैं 2 गाड़ी नहीं निकलना कहलाया, एक सेंट्रो गाड़ी लेकर आया अपने लिए और एक वैगन आर गाड़ी ली मैंने अपने पार्टनर के लिए। उन लोगों को ये दिखाया कि सोनलाल फेल नहीं हुआ, ठीक है। अंदर से मेरे को लगता था कि मेरे जो मैंने कमाया वो डूब गया, बट मैं किसी को थोड़ी ना दिखाऊंगा कि मैं बर्बाद हो गया, पर मैं अपने आप को शो नहीं करा, अंदर से मैं टूटा हुआ था। बट वो मेरे जो फादर ने मेरे को वो चीज़ सिखाई थी, वो फार्मूला मेरे काम आ गया। और उससे 2002 से जो मेरी गड्डी चलने लगी, 2009 तक अंधाधुंध पैसा कमाया मैंने, इतना पैसा कमाया जिसका कोई अंत नहीं है, जीरो से हीरो बन गया, चला खूब बढ़िया काम चला। फिर धीरे धीरे कुछ कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। 2014 में एक पार्टनर अलग हो गया किसी कारणवश, दूसरा पार्टनर एक 2016 में भाग गया, मैं बिल्कुल अंदर से टूट गया था। तो जो मेरा चौथा पार्टनर था, जो आज भी मेरे साथ है, उस पार्टनर ने मेरे को संभाला, उसने मेरे को हौसला दिया। मैं एक बार को सब कुछ बेचने को तैयार हो गया था, मैं कहा सब कुछ बेच बाज के मार्केट क्लियर कर, तो उसने कहा नहीं, जिस जाम काम करते हैं वो और जो मकान है वो हम नहीं बेचेंगे, सबका पैसा देंगे मगर आराम से देंगे, जल्दबाजी कोई नहीं। 2-3 साल में जो भी कर्जा था वो हमने उतार दिया और जो लेना था वो हमने रिकवर भी करा। तो 2 साल बाद फिर हमारी वही पोजीशन हो गई। सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बट कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने हौसला छोड़ दिया वो खत्म है। नोटबंदी में बहुत बर्बाद हुए, बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत लोगों ने सुसाइड तक भी कर लिया, ठीक है। हो सकता है नौबत ऐसी हमारे साथ भी आई, बट हम संभल गए, सिर्फ समझ गए किस वजह से, कि हमारी नीयत सही थी, हमारी नीयत में खोट नहीं था। कुल वृक्ष जो है हमको अपने परिवार के साथ जोड़ता है और ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ता है, हमारी 4 पीढ़ी ऊपर 4 पीढ़ी नीचे तक जोड़ता है। तो हमें पता होता है कि ये हमारा चाचा है, ये ताऊ है, ये हमारा ताया का, नहीं तो वैसे आदमी को पता ही नहीं होता। अब आज हम देखते हैं लोगों को अपने ना तो ताऊ का नाम पता है, ना कोई चाचा का नाम पता है, ना कोई दादा का नाम पता है, कहाँ रहते थे नहीं पता। कुलवृक्ष इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है ताकि हम आगे पीछे वाली ज़िंदगी से हम आगे के लिए कुछ सीखने को मिलता है कुलवृक्ष के थ्रू। कुलवृक्ष ने हमको जोड़ा, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा, तो आपके माध्यम से हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सबको ये पता रहेगा कि हम कैसे जुड़े और हमारे दादा ने, परदादा ने, पापा ने क्या क्या स्ट्रगल किया। कुलवृक्ष मेरे हिसाब से इट हैज़ अ वेरी वेरी वास्ट विजन, ऑब्वियसली एज पीयूष सेड, एंड जैसे भी हम लोग अपने आगे फ्यूचर को भी देख सकते हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने किया है हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी गॉट टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स एंड एवरीथिंग। सब्सक्राइब करें कुलवृक्ष के YouTube चैनल को और रोजाना की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।